अभी कोड़ा टोली में सातक हैं और यहाँ पर मुझे लगता है देखिए ट्रैक्टर का दुर्घटना हो चुका है और बहुत बेहतरीन तरीके से पलटी मार दिया दोस्तों। और हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम करूँगा। मेरा नाम दोस्तों, मैं आज आपको जैसे ही छोटा मोटा ब्लॉग बनाता था दोस्तों, तो आज स्पेशली जा रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए पंडरी पानी मेला, क्योंकि आप लोग को मैं आए दिन हर मेला को दिखाते रहता हूँ। तो दोस्तों स्पेशली आज सोचा कि पंडरी पानी मेला लगा है तो वहाँ चलता हूँ और दिखाता हूँ। और फिलहाल मैं दोस्तों सूट बूट बोल तो कपड़ा लत्ता सब चीज़ पहन के तैयार हो चुका हूँ, जींस मार लिया हूँ और जूता पहन लिया हूँ। देखिए फिलहाल दोस्तों बने रहिए वीडियो में, और मेरे साथ में कौन जाएगा क्या है सारी चीज़ को बताऊँगा और दिखाऊँगा, तो मेरे वीडियो में आप देख रही है। फाइनल दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं शंकर नगर, और यहां से मैंने देश भाई के साथ में जाने वाला हूं मेला की ओर। तो फिलहाल दोस्तों आएगा वैसे ही मिलाऊँ पंडरी पानी में दोस्तों। फिलहाल दोस्तों मैं देवेश भाई से मिल चुका हूं, और पंडरी पानी में मेला कब से स्टार्ट हुआ है दोस्तों उसको बता देगा, क्योंकि मुझे तो अच्छे से पता नहीं है। और फिलहाल दोस्तों मैं देवेश भाई से मिलाना चाहूँगा। ये है देवेश भाई। देवेश भाई, हमारे पंडरी पानी मेला कब से स्टार्ट हुआ है भाई और कब तक खत्म होगा? स्टार्ट हुआ है 18 तारीख को ख़त्म होगा। तो आप लोग को दोस्तों अगर मेला इंजॉय करना है, गांव देहात की को देखना है, तो प्लीज़ दोस्तों आ जाइएगा पंडरी पानी मेला में, क्योंकि वहां पर मुझे लगता है गांवटिया लोग आते हैं और गांवटिया लोग जाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों बने रहिए वीडियो में, और हम लोग फाइनली पहुँचेंगे पंडरी पानी मेला में, तो वहाँ पर दिखाऊँगा। तो बने रहिए दोस्तों मेला में वीडियो में और देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों हम लोग कुनपुर से निकल रहे हैं, और मुझे लगता है कि लगभग आधा घंटा तो नहीं बोलूँगा, एक घंटा लग जाएगा पहुँचने में, और मैं आप लोगों को वहाँ पर बहुत दिखाऊँगा। फिलहाल दोस्तों बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए कि पंडरी पानी का मेला कैसे होने वाला है और क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ को देखिए। फिलहाल दोस्तों पंडरी वीडियो में देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों लगे तो कुंजारा का मार्केट फाइनली पहुँच चुका है, और देखिए मार्केट का नज़ारा, ये है कुंजारा मार्केट का नज़ारा कुछ इस कदर है। और फिलहाल लोग दोस्तों मार्केट को देखते हुए आगे बढ़ते हैं पंडरी पानी की ओर, क्योंकि वहाँ पर मेला लगा है उसको दिखाना है आप लोग को। तो फिलहाल दोस्तों पंडरी पानी और देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों हम लोग सिंगी बाहर से एक रास्ता कटा हुआ है, कछुआ डोंगरी का लिखा हुआ था, वो मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग उसी रास्ते में निकल रहे हैं फरसा बाहर की ओर, क्योंकि ये रास्ता हम लोग को लगता है कि नया रास्ता है, और इस रास्ते में हम लोग मुझे लगता है पूरी तरह से भटकने वाले हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल दोस्तों पंडरी पानी में देखते रहिए। ब्रेकर फ्रेकर भी है तो थोड़ा सा गिर गिर जाऊँगा, तो मत बोलिएगा कि गिर गया हूँ। और फिलहाल दोस्तों मैं बढ़ता हूँ और सवार मिलता हूँ, बन रहे दोस्तों वीडियो में, और कहाँ कहाँ पिलाऊँगा उसको बताऊँगा। फिलहाल दोस्तों हम लोग अभी कोड़ा टोली में सातक हैं, और यहाँ पर मुझे लगता है देखिए ट्रैक्टर का दुर्घटना हो चुका है और बहुत बेहतरीन तरीके से पलटी मार दिया दोस्तों, और रोड को थोड़ा ब्लॉक कर दिया है, और अभी हम लोग इस रास्ते में आगे बढ़ने वाले हैं, और ये रास्ता मुझे लगता है फरसावार की ओर ले जाएगा भैया। फिलहाल दोस्तों ये मुझे लगता है नया महिंद्रा 275 है, और मुझे लगता है ये मार्केट में नया हुआ है और पलटी हो गया है। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं फरसा बार की ओर, और यहाँ का लोकेशन मस्त लग रहा है, मुझे लगता है यहाँ पर प्री वेडिंग शूट कर लेंगे हम लोग, वाह क्या देखो भाई। फिलहाल दोस्तों हम लोग नया पुल पहली बार देख रहे हैं, बाप जन देखे नहीं थे कभी, इस रास्ते में हम लोग आए नहीं थे ना, इसलिए इस रास्ते को देखे नहीं थे। और यहाँ पर देखिए पापा की परी तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि कोई कोई बोलता है तो कॉपी हो जाता है। नमस्ते। तो फिलहाल दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं नमस्ते नमस्ते करते हुए। ये देखिए बहुत सुंदर सीन है दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ प्री वेडिंग शूट करना चाहें ना तो ऑप्शन है। ये वाला जो ब्रिज बना है ना, बहुत खूबसूरत लग रहा है ब्रिज, क्योंकि हाय बोलो शाह लोग, हाय बोलो। हाँ तो फिलहाल दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये पुलिया का लंबाई मुझे लगता है कि लगभग 5 मीटर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन लगभग 400 मीटर हो जाएगा, कन्फर्म बोल सकते हो 400 मीटर हो जाएगा। और फिलहाल दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ फरसाबार की ओर, क्योंकि हम लोग को वहाँ मेला के लोकेशन में जाना है और आप लोग को मेला को दिखाना है। तो फिलहाल दोस्तों बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, और यहाँ बैरियर लगाया गया है, और यहाँ पर मुझे लगता है कुछ चीज़ का चंदा काटा जा रहा है रामनवमी के लिए। थोड़ा सा दिखा दीजिए ना टिकट को, ये देखिए, और मुझे लगता है बहुत भव्य तरीके से रामनवमी को लोग मनाएगा, क्यों भैया? और कौन सा गाँव भैया उसको बता दिए, और हम लोग को जाना है भैया थोड़ा फरसा बाहर, कौन सा रास्ता जाना है उसको बता दीजिए, थोड़ा सा आगे जाएंगे उसके बाद लेफ्ट में कटिएगा। थैंक यू भैया, अच्छा लग रहा है कि आप लोग ऐसा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो थैंक यू भैया। तो फिलहाल दोस्तों लोग बढ़ते हैं आगे आगे फरसावार की ओर। फिलहाल दोस्तों लोग बनगांव पहुँच चुके हैं, बहुत
टेढ़ी वाला रास्ता पर दोस्तों आए और हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं बनगांव। और मुझे लगता है कि अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं फरसा बाहर और इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे सीधा पंडरी पानी। तो फिलहाल दोस्तों बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए पंडरी पानी का मेला में क्या क्या लगा है और क्या क्या नहीं लगा है, सारी चीज़ को दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं पंडरी पानी और अभी आप लोग दिखाने वाला पंडरी पानी का मेला, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी को यहां पर खड़ा किया हूं दोस्तों और मैं अभी मेला के अंदर घुसने वाला हूं। और क्या क्या लगा है मुझे लगता है बाहर से दिख जाएगा। तो उधर देखिए बड़ा झूला है और मौत कुआ लगा है और बैलून वाला छवा वालों का झूला है, 1 2 3 3 है बैलून वाला और मुझे लगता है नाव झूला भी है। और फिलहाल दोस्तों मैं करीब जाकर दिखाता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों पंडरी बनवार देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों मेरा स्थिति हो गया परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि लगभग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करने के बाद मैं फाइनली पहुंच चुका हूं मेला के अंदर और फिलहाल अभी आपको दिखाने वाला हूं मेला का नज़ारा। फिलहाल दोस्तों इस गली में घुसता हूं क्योंकि आगे से भी घुसने का ऑप्शन है, लेकिन मैं इस गली में घुसता हूं और आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ, मज़ा आ जाएगा दोस्तों आज का। हाँ बोल भाई, ये है भाई कुनकुरी का बंदा। फिलहाल दोस्तों मैं आप लोगों को कंडी पानी का मेला दिखाने के लिए आ चुका हूँ। अरे नेल्सन भाई बहुत बढ़िया लगा तुमसे मुलाकात करके, थैंक यू भाई। तो फिलहाल दोस्तों मैं अंदर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ पंडरी पानी का नज़ारा, क्योंकि मुझे लगता है कि हर मेला दिखाता हूँ तो इस मेला को भी आप लोग को अपने को दिखाऊँ, रूबरू कराऊँ, वही सिचुएशन है। और मुझे लगता है कि इधर देखिए पूरा बिखरा हुआ सामान मुझे लग रहा है और इधर सेटअप पूरा सेट किया हुआ है और मेला मस्त लग रहा है, भीड़ बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन है। और मुझे लगता है झूला में उतना खास भीड़ नहीं है, खाली खाली चल रहा है जैसे कुनकुरी में चल रहा था वैसे ही। और फिलहाल दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ वही दिखा रहा हूँ दोस्तों। इधर देखिए इधर भी है मस्त भीड़ बड़ा का और मुझे लगता है कुनकुरी से बड़ा मेला लगा है दोस्तों ये, वाह काफ़ी मज़ा आ रहा है। और फिलहाल मैं आप लोग को देश भाई और उसका दुकान को दिखाऊंगा, क्योंकि मैं एक बार अंदर घुसा था और निकल चुका था, फिर आया हूँ अलग से यहाँ पर से देश भाई का दुकान। और इतना शोर शराबा है दोस्तों कि थोड़ा सा आवाज़ वगैरह नहीं सुनाई दे पा रहा है। और मैं आप लोग को यहाँ पर सबसे शुरू मिलाना चाहूँगा अपने भाई से। हेलो बोल दो भाई, कैसा लग रहा है आपका माहौल? बस अभी तो थोड़ा सा मैं घूम लेता हूँ फिर आता हूँ ना। फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है कि एक राउंड घूमना चाहिए और आप लोग दिखाना चाहिए पंडरी पानी का मेला, क्योंकि यहाँ पर का मेला में मुझे लगता है कि अधिक संख्या है और कुनकुरी के लेवल से मुझे लगता है कि यहाँ पर का भीड़ थोड़ा सा ज़्यादा ही है। और यहाँ पर मुझे लगता है ड्रैगन झूला है दोस्तों और मुझे लगता है लाउड स्पीकर चल रहा है, उसकी वजह से मुझे लगता है कि अपना वीडियो को थोड़ा सा म्यूट करना पड़ेगा। शोर रवा तो इतना ज़्यादा है दोस्तों कि क्या बताऊँ। यहाँ पर ड्रैगन झूला है, उसके जस्ट बगल में है ना झूला और उसके जस्ट बगल में है टूरा टूरा मंटूरा और बगल में है बिजली झूला। फिलहाल दोस्तों मैं यहीं पर खड़ा होकर कर रहा हूँ शूट और मुझे लगता है कि इधर बुलाने का नहीं जाने का नहीं, ऐसा गाना चल रहा है और ऐसे गाना चलता है थोड़ा सा मुझे तकलीफ होता है क्योंकि कॉपीराइट आने का शिकायत आता है। हाँ कैसे लग रहा है? तो फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ पर इसका माहौल को दिखाऊँ और आप लोग को इन्जॉय कराऊँ, वही सिचुएशन में आया हुआ हूँ दोस्तों। इधर बच्चे लोग के लिए है छोटा छोटा झूला, इधर देखे दोस्तों ये है टूरा टूरा और मुझे लगता है कि इसके जस्ट बगल में है बिजली झूला और उसके जस्ट बगल में है ब्रेक डांस और उसके जस्ट बगल में है मौत कुआं। और मुझे लगता है मौत कुआं का तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा मस्त, भीड़ भड़ाका है दोस्तों और पूरा माहौल है यहाँ का मेला का, आपको दिखा रहा, देखिए मज़ा आ रहा है दोस्तों। वाह ये है ब्रेक डांस, यहाँ पे है दोस्तों ब्रेक डांस ये देखिए। और यहाँ पर मुझे लगता है कि ये मौत कुआं है, मस्त भीड़ भड़ा का है। मुझे लगता है जो प्राइस है 50 रुपए प्राइस है मौत कुआं का भी उतना ही होगा जैसे लग रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखा बच्चे लोग का झूला है, वाह
फिलहाल दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ। ये है बच्चे लोग का झूला, बोले थे ये बैलून झूला, और फिलहाल यहाँ पर से बच्चे लोग का उछल कूद करने के लिए, और मुझे लगता है यहाँ पर से बासर बर्तन ये देखिए। और फिलहाल दोस्तों मैं आ गया, जल्दी जल्दी बढ़ रहा हूँ इसलिए क्योंकि गाना चल जाता है तो मेरा कॉपी रेट आने का शिकायत आता है दोस्तों। इसलिए मैं जब तक बोले तो लोडी स्पीकर कुछ बोलते नहीं है तब तक मैं आगे बढ़ता नहीं हूँ, ये सिचुएशन होता है। और ये देखिए मुझे लगता है यहाँ पर लकी शॉट ऐसे कुछ है, बॉल से मारने वाला कुछ सिस्टम होगा मुझे लग रहा है, उसको दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर कुछ देखिए तीर निशाना मारने वाला है दोस्तों, वाह। मुझे लगता है दोस्तों इसको देखते हुए आगे बढ़ता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ का माहौल, इस गली में घुस के आप लोग को एक बार ड्रोन शूट दिखाता हूँ क्योंकि तो मुझे लगता है सामने हुआ है और ड्रोन शूट करूँगा तो काफ़ी अच्छा फोटेज भी आएगा मुझे लग रहा है। गाना जहाँ चलता है वहाँ पर दोस्तों आप लोग के लिए स्लो कर देता हूँ और मैं वहाँ बंद ही कर देता हूँ, स्पेशली मुझे लगता है कि चालू करके रखूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा इसलिए बंद कर देता हूँ। और मुझे लगता है कि अभी दिखा रहा हूँ आप लोग को पंडरीपानी मेला, और ये कुछ ऐसा नज़ारा है ये देखिए। और यहाँ पर मुझे लगता है गुप्ता पंडरीपानी फूड सेंटर, बोले थे कृष्णा गुप्ता करके है फूड सेंटर का नाम, वाह। इधर भी दोस्तों, इधर भी देखिए मस्त माहौल है, वाह काफ़ी खूबसूरत माहौल है। फिलहाल दोस्तों मैं अभी देवेश भाई की दुकान पे फाइनली पहुंच चुका हूं, और ये देखिए देवेश भाई का सेटअप पहले की तरह कुनकुरी में जैसे लगाया था सेल 150 रुपये में पर्स है इसके दुकान में। तो फिलहाल दोस्तों इसका दुकान में आइएगा और 150 रुपये में पर्स ले जाइएगा, बहुत सुंदर सुंदर पर्स लेकर आया है, मुझे लगता है कि अभी तो बेस्ट इंडीज लेकर आएगा माल मटेरियल ना जी, देख कर रखा लग मिला ना, बहुत खूबसूरत खूबसूरत अरे देखिए मेला का सुंदरता। तो फिलहाल दोस्तों मैं करते वाला हूँ ड्रोन शूट और दिखाने वाला हूँ ये मेला कितना बड़ा एरिया में लगा है। फिलहाल दोस्तों बने रहिए और देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों मैं ड्रोन शूट किया, काफ़ी मज़ा आया, और यहाँ पर बच्चे लोग आए नाच रहे डे रहे थे, रो भी रहे थे ये बच्चे लोग, नाचो ना नाचो नाचो, ये लोग देख रहे थे दोस्तों, काफ़ी मज़ा आ रहा था इन लोग को जब ड्रोन उड़ा रहा था। फिलहाल दोस्तों मैं मेला में हूँ और एक बिया मिले स्पेशली, कहाँ से बिया उसको बता दीजिए, कहाँ से है उसको बता दीजिए, लोहरदगा से। आपका नाम क्या है भैया? थैंक यू भैया। और कौन कौन सा मेला अभी तक घूमे आप? सभी मेला में घूमते हैं, कुनकुरी में नहीं जा पाए लेकिन गए थे एक दिन, लास्ट दिन उस दिन गए। थैंक यू भैया, लेकिन मैं मुलाकात नहीं करवा रहा, कोई बात नहीं। लेकिन फिलहाल दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल में, फिलहाल दोस्तों बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए ये रहा माहौल। फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ पर मेला में आया हुआ था, काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेरा दुकान का बनाओ मेरा दुकान का बनाओ, तो मैं स्पेशली दोस्तों ये भैया है कहाँ से है उसको पूछता हूँ, तो भैया कहाँ से हो उसको बता दो। हाँ यही को पंडित पानी को, मेला कैसे माहौल है उसको बताइए, कब से लगा उसको बता दीजिए। फिलहाल कब तक रहेगा? संडे तक। थैंक यू भैया, क्या नाम है आपको बताइए? अमर।
बताइए नाम क्या आपका? गरिमा चौहान। थैंक यू। नाम बताइए? अंशु चौहान। थैंक यू। फिलहाल दोस्तों बने रहिए वीडियो में और देखिए मेला का माहौल। अभी मुझे लगता है कि लगभग बच गया 6 और अभी का माहौल कुछ ऐसा है। अभी दोस्तों मुझे लगता है 6:30 बज गया और इधर मुझे लगता है ये जो सेशन है इधर मिठाई का सेशन है और इधर बस मिठाई बस मिल रहा है देखिए। और उधर मुझे लगता है कि इधर सामान वगैरह मिलता है और इधर भी पूरे मिठाई का दुकान है, चप्पलों का दुकान है और इधर मुझे लगता है मिठाइयों का दुकान है। देखिए यहाँ पे दोस्तों मुझे लगता है 100 रुपये में साड़ी मिल रहा है देखिए, और ये मुझे लगता है कुनकुरी समाज का 100 रुपये जनादन बिक रहा है दोस्तों साड़ी देखिए। देखिए और मुझे लगता है इधर कितने रुपये का इधर भी मिल रहा है 63 मुझे लगता है इधर दोस्तों कितने रुपये का है 200 रुपये टिकट 63 सब पेटा है भाई। कितना कैसे बेचा रहा हूँ? बस 100 में टी शर्ट है 200 में शर्ट है। पंडरी पानी मेला का मजा ले रहे हैं। फिलहाल दोस्तों अभी बज चुका होगा 8:16 हो चुका है और मुझे लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर मेरे व्यूअर्स 2-4 यहाँ पर मिल गए पंडरी पानी मेला में, स्पेशली उनसे मिलाना चाहूँगा। तो भाई लोग क्या नाम है उसको बता दो। सावन भैया। थैंक यू भाई। अरविंद। थैंक यू भाई। रितेश अक्का। थैंक यू भाई। अभी मैं आप लोग से मिला कैसा लग रहा था? अच्छा। तो फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है कि अब इस वीडियो का देखने के लिए क्योंकि लगभग वापस यहाँ घूमना जो घूमना था जैसे घूमना था सारा घूम फिर के बराबर कर दिया और मुझे लगता है कि अब इस वीडियो का देता हूँ। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।